एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो उस टॉपिक पे है जो काफ़ी लोग परेशान हैं, पल्सर 150 ट्विन डिस्क VS6 के पिकअप के प्रॉब्लम से। मुझे इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, इतने सारे कमेंट आते भी हैं और आ भी रहे हैं कि भैया मेरा जो है 110 के ऊपर नहीं जा रही है, मेरा जो लिमिटर लग गया 107 पे, शोरूम में जा रहा हूँ तो बोल रहा हूँ तो वो लोग प्रॉब्लम ठीक नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि ये ऐसा प्रॉब्लम है जो कि कॉमन हो गया है, शोरूम से लेके आओ, गाड़ी भगाओ, फिर नहीं जा रहा है, फिर रुक जा रहा है। तो आज इस प्रॉब्लम का शॉर्ट आउट मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि मैं खुद परेशान हो गया हूँ। कि परेशान इस बात से हूँ कि मैं आपको जवाब नहीं पा रहा हूँ, कितना कमेंट हो, तो उस टॉपिक में मैं सीधा वीडियो बना दे रहा हूँ कि आपको करना क्या है। अब देखो, आप लोग शोरूम जाते हो और बोलते हो कि भाई ये प्रॉब्लम है। मेरे साथ क्या हुआ था आपको पता है? मैं जब शोरूम बाइक लेके गया, इसमें भी प्रॉब्लम थी। पहला दिन जब मैं गाड़ी लिया, उसके बाद दूसरा दिन इसका जब टॉप स्पीड निकाला तो फिफ्थ गियर पे अराउंड 106 या 107 पे लिमिटर लगने लगा। मैंने कहा ये क्या प्रॉब्लम है, तो शोरूम में मैंने गया। तो शोरूम में जाने के बाद मैंने बोला कि भैया ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो मैनेजर मेरे को क्या बोल रहा है, आप लोग हंसोगे, कि आपको भगाने ही क्यों है, देख रहे हो। तो हमारे पीछे जो फ्रेंड है वो भी हंस रहे हैं, वो मैनेजर बोल रहा है कि आपको क्यों भगाना इतना तेज 110, मतलब हम ZX10R ले ले तो उसको जो है सिर्फ 100 की स्पीड में चले, उसके ऊपर नहीं जाए। तो उनका कहना ये था। तो बजाज वालों, थोड़ा कोई भी बात रिप्लाई करो तो सोच समझ करो। मैं उस टाइम वीडियो नहीं बना पाया, नहीं तो मैं बताता। और मैकेनिक से जब बोला कि भैया इसके ऊपर नहीं जा रही है, नहीं जाती है, पल्सर 150 है, इससे ज़्यादा क्या जाएगी यार, 200 cc की इंजन थोड़ी है जितना जाएगी। हम बोले अच्छा, मैंने बोला अच्छा ऐसी बात है। तो उन्होंने थ्रॉटल बॉडी चेंज किया, सब कुछ चेंज कर दिया, A to Z सब कुछ चेंज कर दिया, फिर भी वही प्रॉब्लम है। मैं 2 दिन परेशान हो गया। तीसरा दिन फिर घर आया, मैंने कंप्लेन किया बजाज में कि एक तो मैं गाड़ी लिया न्यू, ऊपर से ऐसा प्रॉब्लम हो तो आदमी को क्या पता कितना परेशान होगा, कितना दुखी होगा। तो उसके बाद चौथे दिन मैं जब गया तो उसके बाद उन्होंने एक चिप लगता है, मैं आपको बताऊंगा, उस लास्ट ऑप्शन था दूसरे बाइक से, यही सेम बाइक का चिप रिप्लेस किया, लगाया, मैंने भगाया तो 125 आराम से चली गई थी। तो मैंने मैनेजर को कहा कि प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, लेकिन मेरे को क्वेश्चन का जवाब चाहिए मैकेनिक से। वो बोलता है कि इसके ऊपर जाती नहीं है। तो मैं मैकेनिक के पास गया तो वो बोल रहा है कि चली गई होगी। तो मैंने बोला कि सवाल उतना किया कीजिए जितना आपको नॉलेज हो। अगर 110 पल्सर जा रही है, 105 ही जा रही है, तो हम पल्सर क्यों लें, हम स्प्लेंडर ना ले लें। कंपनी क्या क्लेम करती है पल्सर 150 को, उसको ये मैकेनिक को मैं बोला कितना कम क्लेम करती है कंपनी 150 पल्सर ट्विन डिस्क को, 115 का टॉप स्पीड गूगल करके क्रोम करके देख लो, 115 का टॉप स्पीड दिखाता है, 105 ऊपर नहीं जा रही है। तो कॉमन सेंस वाली बात है ना, सोचना चाहिए कि क्यों नहीं जा रही है। तो सीधा आप लोग जवाब देते हो नहीं मालूम है, बोल देते हो कुछ भी, बोल तो देते हो, अगले के ऊपर क्या बीतता होगा ये सोचो। तो जितने भी मैकेनिक हैं तो भाई आप अपडेट करो अपने आप को। और तो वैसे भी चुतियापा है शोरूम के बाजार में, कोई रिस्पॉन्स सही से है नहीं, ये कर दो बोलोगे आम तो करेगा इमली, बहुत चिड़ है, मेरे तो बहुत गुस्सा आता है पता नहीं क्यों। आप जैसे कुछ भी कराने जाओगे तो वो बोलेगा बंदा कि भैया मेरे को ये प्रॉब्लम है, जी जी जी, उससे नहीं हो पा रहा है ना तो क्या बोलेगा पता है आपको, कि नहीं वो जेन्यून प्रॉब्लम है, वो ऐसा रहता ही है, मतलब कोई सोल्यूशन नहीं। खैर मेरा एक्सपीरियंस बहुत बेकार रहा था, वो तो भगवान कृपा से सॉल्व हो गया, चिप रिप्लेस हो गया, नहीं तो बहुत पता नहीं फिर मेरा कुछ दिमाग चलता या नहीं चलता, आगे क्या होता नहीं होता ये तो फिर देखा जाता। कुछ नहीं, अगर आपकी नॉर्मल लिमिटर वाली प्रॉब्लम है तो, अगर वैसे नहीं जा रही है तो भाई वो आपके ऊपर है, मेंटेन आप बाइक नहीं कर रहे हो तो उसके ऊपर नहीं जा रही है तो वो आपकी गलती है। अब आप बोलोगे भाई बहुत मेंटेन कर रहे हैं फिर भी नहीं, तो बाइक एक चीज़ पे डिपेंड नहीं करती मेरे दोस्त, बाइक कई चीज़ पे डिपेंड करती है। सो गाइस, चलिए अपने मेन टॉपिक पे बढ़ते हैं कि ये लिमिटर वाली प्रॉब्लम जो है, सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि आप कैसे इसका सॉल्यूशन करो। शोरूम में जाओ, ये एक्चुअली ये बॉस्टूल से होता है, अगर आप चिप रिप्लेस नहीं कर पाते हो तो उसको अपडेट करवाइए, और फिर भी नहीं हो रहा है तो मैनेजर को बताइए, वीडियो दिखाइए उसको, समझाइए कि ऐसा प्रॉब्लम है, रियल में प्रॉब्लम है, फिर भी नहीं मार रहे तो कंप्लेन कीजिए। फिलहाल आइए दिखाते हैं आपको, कैमरा पास ले आओ भाई, और मैं आपको लोकेशन बता दूं, देख रहे हो मैं तो एक्चुअली इधर, देखो आप जानते हो एक्चुअली कि मैं विलेज में रहता हूँ, गाँव में,
तो आप इधर देख लो, इधर देखो भाई, इधर माँ गंगा बगल में और इधर पूरा रेत रेत, और इधर हम लोग शूट करने आए हैं कोई एकदम खाली जगह जहाँ कोई नहीं रहता हो। और फिलहाल जो है अपने हेलमेट को कहाँ रखा जाए भाई, तो ये दिखाओ इधर, इधर को रख दिया जाए। देख रहे हो कांटा भाई साहब, ओहो तो स्क्रेच आ जाएगा। अब बालू में मैं रखना नहीं चाह रहा हूँ, चलो अच्छा इधर रख देते हैं। तो भैया आओ, तो लिमिटर वाली प्रॉब्लम सबसे पहले इधर आइए, देखो पैनल उपारना है, खोलना है, सॉरी सीट खींचना है। अरे बाप रे, कई दिन से खुला नहीं है, क्या हो ठंडी में हाथ कांप रहा। हाँ खुला, सीट खुल गया, ऊपर ला भी सीट खुलना है। सीट का हालत तो खराब, कवर है, सीट का हालत खराब नहीं है। अब देखो मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो एक बॉक्स टाइप बना है इसके अंदर एक चिप लगता है, जो कि इधर देखो, जो कि आप समझ लो कि एक तरह से इश्यू ही है। वो इश्यू के अंदर एक चिप लगता है जो पूरा कंट्रोल करता है यूनिट को, पूरा मतलब वायरिंग को, पूरा पूरा चीज़ कंट्रोल करता है। मतलब नहीं होता है जैसे कि आपको इसके आगे कैपेबल नहीं दे रहा है जाने के लिए। जैसे आप लिमिटर अभी का गाड़ी स्टार्ट करूँगा 10,000 रुपये लिमिट मार दे रही है, तो वही चीज़ आपका टॉप स्पीड जो है बंधा रहता है। उस चिप में ये गाइडेंस दिया जाता है कि इससे आगे इस लाइन को क्रॉस नहीं करना है, इस RPM पे इस गियर में उसको हिट कर देना, आगे नहीं देना कैपेबल को जाने के लिए, सेफ्टी पर्पज़ के लिए। अब 150 cc का इंजन है, उसमें भी क्या सेफ्टी, 120-125 तो जाती है, ये सब जरूरी नहीं था देने का जरूरी। बस इतना काम करना, आपको अपडेट करना, उसके बाद अगर अपडेट से नहीं हुआ तो चिप रिप्लेस कर देना। हालांकि चिप का प्राइस मेरे को मालूम नहीं एग्जैक्टली, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको। तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। और इसको जो आप, एक मिनट मैं सीट लगा लूँ फिर आपसे बातें कर रहा हूँ। और सीट लगाने का भी अगर तरीका नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, ये जो पार्ट देख रहे हो ये इसके अंदर सीधा ले जाओ और सेंटर पे आगे लगा दो। तो यार दोस्त मेरे भाई जितने भी हैं, मैं तो यही चाहता हूँ सब सेफ रहो, सब गाड़ी सबकी आपकी मस्त रहे, टकाटक रहे, और हालांकि आप इससे परेशान ना हो और गाड़ी भाई, कोई भी गाड़ी अगर बंदा उसको टॉप स्पीड ले जाना चाह रहा है और वो ना जाए, दुखी तो होता ही है, वो भी पल्सर 150 लेके। कई लोग तो मेरे को कमेंट किए कि बजाज की गाड़ी ही ना लो अब, तो ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं है, आप बिंदास लो बजाज की बाइक। बजाज की बाइक बहुत बढ़िया है, बहुत मतलब परफॉर्मेंस जो निकाल के देती है वो और कोई कंपनी देगी नहीं जल्दी उतना, चाहे कोई भी सेगमेंट में आप ले लो। हालांकि ये मेरा लवर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बजाज से बात कर रहा हूँ। सब गाड़ी अपने सेगमेंट में ठीक है, मस्त है, टकाटक है। तो गाइस अब हम बात करते हैं लिमिटर वाली प्रॉब्लम का, तो सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया। और कई लोग ये कमेंट मत करना कि आपने तो कुछ दिखाया नहीं, आपने कुछ बोला फिर बोला करके नहीं दिखाया कुछ। भाई मेरे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है ना, तो मैं खोल के आपको दिखा देता, वो पार्ट खोल के उसके अंदर जो चिप लगता है सब दिखा देता। अब वो लोग मैकेनिक के सुर में आप इतना भी बोल दोगे, इतना दिखा दोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होना ही होना है। अब बात आती है कि यार मेरे में लिमिटर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा नहीं भाग रहा है गाड़ी, 110 के ऊपर नहीं जाती है। तो इधर रहा भाई, सबसे पहली बात गाड़ी पर क्या निर्भर करता है, आप अच्छा इंजन ऑयल यूज़ करो, डिस्पैच प्रॉपर ध्यान दो, चेन ज़्यादा ध्यान दो। अभी आपने टॉप स्पीड देखा होगा पल्सर PM50 के साथ क्या हुआ मेरा सीन, मैंने इस पॉकेट में ध्यान नहीं दिया था जल्दी, और गाड़ी मेरी 31,000 चल चुकी है, 2 साल हो गया और आगे का इस पॉकेट ख़त्म हो गया था, तो इसीलिए हारी। और भी कई रीज़न है, वेट भी है बाइक का ज़्यादा, और बहुत चीज़ निर्भर करता है ना भाई, बैरिंग हो गया या आगे का बूस हो गया या आगे का आपका डिस्पैड हो गया, कई सारी चीज़ें हैं। अगर आपका व्हील फ्री नहीं है ये, और फिल्टर साफ नहीं है, तो बहुत चीज़ निर्भर करता है दोस्त। और क्यों नहीं जाएगी अपनी टॉप स्पीड, आप ये सब चीज़ मेंटेन रखो, नहीं जाएगी फिर आप मेरे को कमेंट करना,
मेरी गाड़ी 130 इजीली टच करती थी, इजीली, और अभी भी करती है, करके दिखाऊंगा। लेकिन इस पॉकेट की वजह से थोड़ा लोचा हो गया, इस पॉकेट बहुत अभी मेरी माइलेज भी नहीं दे रहा था, तो मेरे को डाउट हुआ ही था कि टायर की वजह से शायद माइलेज नहीं दे रहा, बट ये प्रॉब्लम जो है पता चला कि भैया इस पॉकेट तो हो गया गुल, तो क्या माइलेज देगा भाई। इस पॉकेट भी बहुत निर्भर करता है, इनिशियल से लेकर टॉप एंड तक माइलेज सब निर्भर करता है, क्योंकि वो गाड़ी का एक समझ लो जान है। इंजन तो मेन हो गया हार्ट, लेकिन ओके खींचे खातिर भी समझा था ना। तो बाकी आइए मैं थोड़ा आपको इंजन का अपना साउंड सुना दूँ और एग्जॉस्ट भी सुना दूँ। अब सोच लो आप कि मेंटेन रखोगे तो ना एक्सीलेटर टच करना कुछ नहीं है, देखो आप तो यहाँ पे गाइस वीडियो को रैपअप करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आप लोग का 100% से हो जाएगा। और थोड़ा बाइक पे आप जो है इंटरनली ध्यान दिया करो, लिमिटर का प्रॉब्लम मैंने आपको बता दिया, छोटी सी प्रॉब्लम है यार, इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जो एकदम परेशान हो जाता है आप लोग, छोटी सी प्रॉब्लम है। चढ़ जाओ बजाज मैकेनिक के ऊपर की साला हो क्यों रहा है, दूसरा बाइक में नहीं हो रहा है, चढ़ो तब होगा, ऐसे नहीं होगा। वो लोग को आइडिया कुछ समझ में तो है नहीं, सिर्फ बना रहे हैं बाइक, बना रहे हैं या सर्विस कर रहे हैं, इंजन मेंटेन कर रहे हैं, बस ये सब टेक्निकल चीज़ है, ये सब टेक्निकल चीज़ है, उनको पता रहना चाहिए, अपडेट रहना चाहिए सब चीज़ से। तो ऐसा हो अगर तो आपको मैंने बता दिया, सीधा एकदम घुस जाओ तब जाके होगा। और बाकी जो है इस वीडियो को रैपअप करते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और मैं ये बोलूँगा कि 140 के सेक्शन का टायर इस पल्सर 150 मत लगाना भाई, क्योंकि गाड़ी का वेट बहुत बढ़ जाएगा, और गाड़ी फिर मज़ा तो देगी सब कुछ, लेकिन थोड़ा वेट बढ़ने से परफॉर्मेंस में थोड़ा कमी आ सकता है। तो इस वीडियो को रैपअप करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो, या कोई मैंने कोई कुछ गलत आपको बताया, या आपको कहीं कुछ लाइन समझ में नहीं आई, तो प्लीज़ कमेंट के बताइएगा। और बाकी लोग जो हैं जितने भी लोग हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करें, वहाँ भी आइए अपनी बातचीत होगी, आप लोग कमेंट करते हो अच्छी बात है, इंस्टाग्राम पे भी आइए, कुछ एनी क्वेश्चन कोई भी डाउट रहे इंस्टाग्राम पे आइए पूछिए, मैं आपको बताऊँगा। तो मिलता है आपको किसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन राइड सेफ, राइड हार्ड, हेलमेट हमेशा पहन के चले, और प्रॉब्लम आपका आई होप सॉल्व हो जाएगा, मेरी बात जो मैंने आपको बताई है, और टाइम पे सर्विस कराएं। अगर आप गाड़ी एकदम पेलम पेल चला रहे हो तो 1000-1200 रुपये एकदम इंजन ऑयल तुरंत चेंज कर दिया करो, इंजन ऑयल अपने आप चेंज करो, या फिर सर्विस शोरूम में जाके कराइए, या कहीं भी आपको जहां आपको बेहतर लगे। और अगर आप नॉर्मल चलाते हैं तो 1500-2000 रुपये भी करा सकते हैं, आपको इशू नहीं है। मैं अपनी बाइक पे 1000-1200 रुपये, क्योंकि गाड़ी चलती है वैसी है भाई, 2 साल हो गया, 2 साल कंटिन्यू 31,000 किलोमीटर चल चुकी है, और वो भी एकदम पेलम पेल चली है, आज तक गाड़ी मतलब 50 के अंदर रही नहीं है। अब सोच लो आप, इंजन आज भी टकाटक है, सब कुछ टकाटक एकदम मस्त। तो कुछ ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे वीडियो को रैप करते हैं दोस्तों, हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और मिलते हैं वो किसी नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय बाय। और मैं थोड़ा इधर कैमरा मैन बोलोगे कि भाई झूठ बोल रहा है, इधर क्या दिखा दो मीटर में, 31,355 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, ये देखो आप, चलो